शाओमी ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपना मी बैंड 5। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास है ये बॉक्स और इसके अंदर है मी स्मार्ट बैंड 5। आज के वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, इसे यूज करके देखेंगे क्या है इसकी कमियां, क्या है इसकी खूबियां, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं इसे ओपन, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या एसेसरीज मिलती है। ये है मी स्मार्ट बैंड 5। यहाँ पर आप शाओमी की ब्रांडिंग देख सकते हो, एमोल्ड कलर टच स्क्रीन इसके अंदर हमें मिलती है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की इमेज देखने को मिल जाती है। बॉक्स के बैक साइड में आप देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट मॉडल दिया गया है और इसकी MRP है 2999 रुपीज, लेकिन इस समय आपको Amazon पर मिल जाएगा केवल 2499 रुपीज में। इसका बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है एक यूजर मैनुअल, इसके अंदर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, क्या है इसके फीचर, कैसे आप इनको यूज कर सकते हो, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, साथ ही साथ आप मी फिट ऐप को कैसे अपने फोन पर इंस्टॉल कर सकते हो, सारी डिटेल इसके अंदर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है एक मैग्नेटिक चार्जर। इस तरह का मैग्नेटिक चार्जर मैंने अब तक किसी भी स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड में नहीं देखा है, काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो यह है मी बैंड 5। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लग रही है। अगर इसके स्टेप की बात करें तो इसका स्टेप बना हुआ है TPE मटेरियल से, जो कि काफी फ्लेक्सिबल है और बहुत ही स्मूथ टच आपको यहां पर मिल जाता है। अगर इसकी मजबूती की बात करें, काफी मजबूत स्टेप यहां पर दिया गया है और यहां पर हमें इस तरह का लॉक देखने को मिल जाता है। इसे आप प्रॉपरली लॉक कर सकते हो और इसके खुलने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर आप इसके स्टेप को चेंज करना चाहो तो स्टेप को आप चेंज भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। यहां से हम इसे डिटैच कर सकते हैं, आपको इसे नीचे की तरफ प्रेस करना है। जब आप नीचे की तरफ इसे दबाओगे तो ये बाहर आ जाएगा। इस तरह से आप इसे बाहर निकाल सकते हो और इसके स्टेप को आप चेंज कर सकते हो। और बात करें इसके डिस्प्ले की तो यहाँ पर हमें 1.1 इंच का फुल टच एमोल्ड डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया है। इसे आप इंडोर यूज़ करो या आउटडोर यूज़ करो, अगर आप इसे धूप में भी यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई भी रीडिंग देखने में दिक्कत नहीं होगी। इसकी विजिबिलिटी धूप में भी बिल्कुल क्लियर रहती है। और बात करते हैं इसकी बैटरी की, इसके अंदर हमें 125 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि एक बार चार्ज होने के बाद 14 डेज का बैकअप हमें दे देती है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर हमें मैग्नेटिक चार्जर दिया गया है, मैग्नेटिक चार्जिंग दी गई है, जो कि सबसे यूनिक फीचर मुझे इसका लग रहा है। इससे पहले मैंने किसी भी स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड के अंदर इस तरह की चार्जिंग का आइडिया नहीं देखा, काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। इसके अलावा इसके अंदर एक काफी गजब का फीचर दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं PAI, पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस, यानी ये लगातार हमें ट्रेस करता रहता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को ट्रेस करता रहता है, हमारी हेल्थ को ट्रेस करता रहता है, हमें एक्सरसाइज करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए टाइम टाइम पर रिमाइंड कराता रहता है, रिमाइंडर देता रहता है। ये इसका काफी अच्छा फीचर मुझे लग रहा है। इसके अलावा इसके अंदर हमें 11 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जिससे हम तरह तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। ये स्मार्ट बैंड पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, 5 ATM रेटिंग यहां दी गई है। इसे हम 50 मीटर तक वाटर के अंदर यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसकी एक चीज मुझे और बढ़िया लग रही है, काफी लाइट वेट है, केवल 12 ग्राम इसका वेट है। इसे आप लगातार पहन के रख सकते हो, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप चाहो तो इसे पहन के सो भी सकते हो। इसके अंदर एक फीचर दिया गया है, जो कि 24 आवर आपकी एक्टिविटी, आपकी हार्ट बीट, आपकी सारी चीजों को चेक करता रहेगा, लगातार मॉनिटर करता रहेगा। अगर आप सो रहे हो तब भी ये चेक करता रहेगा कि आपकी स्ट्रेस लेवल क्या है, आपका हार्ट रेट क्या है, वो सारा कुछ ये चेक करता रहेगा। तो ये फीचर भी मुझे काफी अच्छा इसका लग रहा है। इसके अंदर स्ट्रेस लेवल चेक कर दिया गया है, इससे हम चेक कर सकते हैं कि इस समय हमारा स्ट्रेस लेवल क्या है। स्मार्ट बैंड 5 के अंदर हमें तरह तरह के सेंसर दिए गए हैं, 6 एक्सिस सेंसर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सेलेरोस्कोप है, जाइलोस्कोप है या फिर हार्ट रेट सेंसर। इस तरह के सारे सेंसर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं और मोबाइल
मोबाइल से कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 यहाँ पर दिया गया है। इस स्मार्ट बैंड को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन पर मी फिट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो मी फिट ऐप को आपने अपने फोन पर इंस्टॉल कर लेना है, ओपन करना है, ब्लूटूथ से पेयरिंग कर लेना है अपने बैंड को। यहाँ पर आपका बैंड कनेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर कनेक्ट हो गया है और यहाँ पर आप इसकी सारी रीडिंग्स वगैरह देख सकते हो। आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, सारा कुछ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर डेट, टाइम, डिस्प्ले सारा कुछ आ रहा है। जब हम इसे ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेटस देख सकते हो, सारा स्टेटस आपको यहाँ मिल जाएगा। PAI देखना है, PAI आप देख सकते हो। ये है हार्ट रेट, हार्ट रेट का आपको यहाँ से मिल जाएगा। नोटिफिकेशंस आपको देखने हैं तो नोटिफिकेशंस भी आप देख सकते हो। स्ट्रेस लेवल अगर आपको चेक करना हो तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग चेक कर सकते हो। आपको इवेंट्स देखना है, इवेंट्स वगैरह, वेदर वगैरह सारा कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आपका वर्कआउट है, वर्कआउट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 11 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। आउटडोर रनिंग है, ट्रेडमिल है, आपका साइकिलिंग है, इंडोर साइकिलिंग है, वॉकिंग है, रोइंग मशीन है, योगा है, जंप रोप है, पूल स्विमिंग है, इस तरह के बहुत सारे आपको यहाँ पर फीचर दिए गए हैं। यानी 11 मोड दिए गए हैं, 11 स्पोर्ट मोड हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इस समय कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो ये ब्लैंक आ रहा है। और जब भी आप राइट टू लेफ़्ट करेंगे यानी इस तरह से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको वेदर देखने को मिल जाएगा। वेदर आप चेक कर सकते हो यहाँ से, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे पुअर है, आपकी बैटरी वगैरह सारी डिटेल आपको यहाँ मिल रही है। कैलेंडर है, डेट है, वर्ल्ड कैलेंडर सारा कुछ देख सकते हो। अगर हम चाहें इसके फेस को चेंज करना तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ बिल्ट इन दिए गए हैं और बाकी के अगर आप चाहो तो आप अपना जो ऐप हमने इंस्टॉल किया है उस ऐप पर आपको बहुत सारे वॉच फेसेस मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको इसे दबा के रखना है, होल्ड करके रखना है, तो कुछ ही सेकेंड बाद ये चेंज हो जाता है। जैसे आप इसे दबा के रखोगे ये देखिए, तो ये अगर मैं चेंज करना चाहूँ, आपको नीचे की तरफ स्वाइप करना है तो इस तरह का फेस आपको रखना है, तो इस तरह का रख सकते हो। वॉच फेसेस इस तरह का है, तो ये वाले कुछ इसमें पहले से बिल्ट इन है, इन्हें हम रख सकते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए मैं इसे ये रख देता हूँ, तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। आप चाहो तो और बहुत सारे फेसेस, वॉच फेसेस आपको मिल जाएंगे इसके ऐप पर, जिन्हें आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो अपने स्मार्ट बैंड पर। यहाँ पर हम इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये आप देख रहे हो, यहाँ से कस्टमाइजेशन हम यहाँ से भी कर सकते हैं और अपने ऐप के थ्रू भी हम अपनी वॉच को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये है वर्कआउट का। इसके बाद अगर नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर हमें मोर का ऑप्शन मिलता है। मोर पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। DND अलार्म सेट कर सकते हो आप। इसके अलावा कैमरा ऑप्शन दिया गया है, इससे आप अपने मोबाइल के कैमरे को कनेक्ट कर सकते हो और उसे ऑपरेट कर सकते हो। और जैसे ही अगर मुझे फ़ोटो लेनी है तो मैं यहाँ से रिमोटली फ़ोटो ले सकता हूँ। इसे जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी पिक्चर क्लिक हो गई है। आप अपना म्यूज़िक भी कंट्रोल कर सकते हो इससे। आप स्टॉप वॉच का फीचर यूज़ कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो। डिवाइस फाइंड करनी हो तो आप फाइंड डिवाइस पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए फाइंड डिवाइस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारी डिवाइस भी फाइंड कर सकते हो। आप अपने मोबाइल फ़ोन को फाइंड कर सकते हो, और इसी तरह से आप चाहो अपनी स्मार्ट वॉच को फाइंड करना तो वो भी आप कर सकते हो। आपको साइलेंट रखना है, साइलेंट रख सकते हो। वर्ल्ड क्लॉक सेट करनी हो, वर्ल्ड क्लॉक सेट कर सकते हो। बैंड डिस्प्ले को हम, जैसे बैंड डिस्प्ले ये है हमारा, तो बैंड डिस्प्ले हमारा यहाँ आ गया। बैंड डिस्प्ले को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, यानी इसकी सेटिंग भी हम कर सकते हैं। सेटिंग पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंट्रिंग बैंड डिस्प्ले एडिटिंग पेज। ओके, तो इसको आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर हम इसे देख रहे हो आप, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी यहाँ पर रखना हो, आप वेदर के नोटिफिकेशन को डिस्प्ले पे रखना चाहते हो इस तरह से भी सेट कर सकते हो। PAI को रखना, PAI को रखना है तो इस तरह से कर सकते हो। स्टेप्स सेलेक्ट करने हो, मतलब आप इसे बहुत ही आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हो। सेव इन डे PAI को आपको शो करना है डिस्प्ले पे तो ये कर सकते हो। इवेंट्स देख सकते हो, इस तरह की सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं।
और पूरी तरह से इसका जो डिस्प्ले है वो पूरी तरह से टच डिस्प्ले है। आप कहीं पर भी टच करोगे तो आपको इससे रेस्पॉन्स मिलेगा। इस स्मार्ट बैंड को आप Mi Fit ऐप से पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे वॉच फेसेस दिए गए हैं, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप अपने बैंड पर यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से हम अपना वर्कआउट वगैरह देख सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर अपना स्टेटस देख सकते हो, आप वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, वो सारी एक्टिविटीज आप यहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये फिटनेस बैंड काफी बेहतरीन क्वालिटी का स्मार्ट बैंड है। क्वालिटी प्रीमियम नहीं है लेकिन बेहतरीन क्वालिटी हमें यहाँ पर मिल रही है। तो दोस्तों इस स्मार्ट बैंड के अंदर मुझे कोई भी कमी देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक कमी की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हो जिसका होम बटन दिया गया है, तो जब हम होम बटन को प्रेस करते हैं, टच करते हैं, तो वहां पर हमारी स्क्रीन होम स्क्रीन दिखाई नहीं देती, बट हमारा जो होम बटन है, ये जो होम बटन यहां दिया गया है, ये बेसिकली बैक बटन की तरह काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम इस बटन को कस्टमाइज कर पाते तो काफी बढ़िया होता, चाहे हम उसे होम बटन बना दें या कोई भी हम इसे एजाइन कर देते, कोई भी की हम इसे बना सकते तो काफी बढ़िया होता। तो दोस्तों Xiaomi का ये स्मार्ट बैंड आपको कैसा लगा और इसका कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।